नमस्कार, भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम चर्चा में आपका स्वागत है। मैं अश्विन कुमार मित्रा। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटों के दौरान मानसून की क्या गतिविधियां रहीं। आज 23 जुलाई 2021 को अगर हम चित्रों को देखें, मानसून काफ़ी विग्रस रहा। मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, इंटीरियर कर्नाटका और काफ़ी सक्रिय दिख रहा है उड़ीसा, MP, कोंकण, गोवा और कोस्टल कर्नाटका में। जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं, हल्के नीले रंग से जिन जिन राज्यों को दिखाया गया है, मानसून काफ़ी एक्टिव रहा, सक्रिय रहा उन जगहों पे। अगर हम उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को भी देखें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, इन दो राज्यों में भी काफ़ी अच्छी बारिश देखने को मिली। अगर हम हेवी रेनफॉल की बात करें जो दर्ज की गई है आज 8:30 बजे हमारी वेधशालाओं में, अत्यंत भारी वर्षा नोट की गई है कर्नाटका, वेस्ट मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र और भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है उड़ीसा, विदर्भ, कोंकण एंड गोवा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकाल। और अगर व्यापक वर्षा इसको कह सकते हैं, एक तरह से हैवी रेनफॉल, भारी वर्षा अगर हम बात करें, ईस्ट राजस्थान, केरला, माहे, ईस्ट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम में। तो हम कह सकते हैं जो मध्य भारत भाग है और पश्चिमी तटे जो राज्य हैं, खासकर महाराष्ट्र, कोंकण एंड गोवा, कर्नाटका की बात करें, केरला, तो काफ़ी अच्छी वर्षा देखने को मिली है। सिनॉप्टिक सिचुएशन अगर हम 23 जुलाई की हम बात करें, अगर हम नॉर्थ से चले, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको एक दिख रहा है आपको, और साथ ही साथ मानसून ट्रफ की जो स्थिति आपको अब दिख रही है, राजस्थान से होते हुए उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़ और उत्तरी उड़ीसा से होते हुए एक लो प्रेशर एरिया जो नॉर्थ बे ऑफ बंगाल पे बना हुआ है, उस पर यह स्थिति स्पष्ट रूप से दिखाई दे सकती है, आप ये लाल कलर में देख सकते हैं। साथ ही साथ एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन देखने को मिल सकता है आपको राजस्थान के एरिया में। और जो हम जो बात कर रहे हैं पिछले कई सप्ताह से, अगर एक सप्ताह की बात करें, ऑफशोर ट्रफ अगर हम देखें, पश्चिम तटीय जो राज्य हैं उसमें अभी भी ये यथावत की स्थिति बनी हुई है, जिसके फलस्वरूप काफ़ी भारी मात्रा में, भारी से भारी वर्षा इन जगहों पे हो रही है। हालांकि विंड को अगर हम देखा जाए, इस विंड्स के साथ जो लो प्रेशर एरिया है, दक्षिणी भाग में भी काफ़ी अच्छी रेनफॉल देखने को मिल सकती है। अगर आप चित्रों को, इनसेट 3D सेटेलाइट की इमेजेस को देखें, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं, आपके जो पश्चिमी तटीय राज्य हैं उनमें काफ़ी डेंस क्लाउड का जमावड़ा है। हालांकि सदर्न क्षेत्र की अगर हम बात करें, खासकर उड़ीसा की बात करें, छत्तीसगढ़ की, इनमें अगर 23 जुलाई की इमेज को हम बात करें, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड कह सकते हैं, एक जमावड़ा क्लाउड की देखने को मिल सकती है। अगर हम देखें जो मानसून ट्रफ की स्थिति के आसपास क्लाउड का जमावड़ा काफ़ी स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा है। अगर हम आने वाले 24 घंटे की अगर हम बात करें, वार्निंग की बात करें, पूर्वानुमान की बात करें, तो आप जैसा कि आप चित्रों में देख सकते हैं, रेड कलर की जिन राज्यों को, जिन जगहों को दिखा गया, उन जगहों में काफ़ी भारी से भारी वर्षा होने की पूर्वानुमान है, जिसमें कि आप मध्य प्रदेश का पूरा मध्य प्रदेश का भाग आ रहा है, कोंकण एंड गोवा, और महाराष्ट्र का जो पश्चिमी भाग है, कर्नाटका, दक्षिणी कर्नाटका खासकर हम बोले, तेलंगाना और उड़ीसा में आप देख सकते हैं रेड कलर की वार्निंग दी गई है, तो काफ़ी भारी वर्षा होगी। हालांकि ऑरेंज की बात करें, ऑरेंज कलर की अगर हम देखें, तो ये छत्तीसगढ़ और पूर्वी महाराष्ट्र के कुछ भागों को दिखाया गया है, तमिलनाडु, केरला में भी ऑरेंज अलर्ट है। अगर शेष भागों की बात करें, अगर पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें, वहाँ पर आपको सिर्फ थंडरस्टॉर्म और रेनफॉल हो सकता है। तो हम एक तरह से कह सकते हैं कोंकण एंड गोवा में अत्यंत भारी वर्षा होने की पूर्वानुमान है, और हैवी टू हैवी रेनफॉल मध्य प्रदेश, उड़ीसा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना, कोस्टल कर्नाटका, साउथ इंटीरियर कर्नाटका को देखने मिल सकता है। भारी से भारी वर्षा आपको देखने को मिल सकती है छत्तीसगढ़ में, विदर्भ में, तमिलनाडु, पुडुचेरी में, कराईकाल में। और अगर वर्षा की बात करें, भारी वर्षा की अगर हम बात करें, हैवी रेनफॉल की अगर हम बात करें, आइसोलेटेड प्लेस में राजस्थान, गैंगटिक, वेस्ट बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मराठवाड़ा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कोस्टल आंध्र प्रदेश और यनम की बात होगी। अगर हम थंडरस्टॉर्म वार्निंग की, जैसे मैंने बताया आपको, थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग और स्क्वॉल की जो 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के रफ्तार में चलेगी, हवाओं की जो तीव्रता रहेंगी वो मुख्य रूप से अंडमान निकोबार में देखने को मिल रहा है। हालांकि जो स्ट्रॉन्ग विंड है, अगर हम बोले 50 से 60 किलोमीटर पर आवर और गस्टिंग 70 किलोमीटर पर आवर की तीव्रता में अगर हवाओं को अगर हम देखें, ये वेस्ट कोस्ट में, तमिलनाडु में, कोस्टल आंध्र प्रदेश में देखने को मुख्य रूप से मिल सकती है। और जैसा कि हम पहले से हम बोलते आ रहे हैं, मछुआरों को फिर से सलाह दी जाती है कि इन जगहों पर वो न जाएं। अब आते हैं आने वाले 5 दिन का, अगर हम वेदर वार्निंग के, हम आने वाले 5 दिनों में क्या रहेगा पूर्वानुमान। जैसा कि अब 23 जुलाई को जैसे अभी हमने विवरण दिया आपको, आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, कर्नाटका, उड़ीसा और तेलंगाना के क्षेत्र रेड कलर से दिखाए गए। हालांकि मध्य प्रदेश का ये हिस्सा
पश्चिमी हिस्सा, और अगर महाराष्ट्र में वो जगह यथावत रेड कलर 24 तारीख को भी वो स्थिति रहती है, 25 तारीख में थोड़ी सी इनमें कभी आने को मिल सकता, हालांकि इसमें गुजरात के कुछ पार्ट इसमें इंक्लूड हो रहे हैं। 26 तारीख की हम बात करें तो स्थिति थोड़ी सी कम होगी, यहाँ पे दिख रही है जैसा कि आपको येलो और ग्रीन कलर में दिखाया गया। हालांकि अगर उत्तराखंड और अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ रेड कलर दिखाया गया, भारी वर्षा होने की उम्मीद 26 तारीख को है। और अगर हम 27 तारीख की बात करें तो आपका एक तरह से पूरा नॉर्थ उत्तर पश्चिम भाग का, खासकर जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ऑरेंज अलर्ट है, साथ में उड़ीसा भी ऑरेंज अलर्ट है। तो ये रहेगा पिछले पाँच आने वाले 5 दिनों का पूर्वानुमान।